हमको तो शिक्षा ये दी गई है, चाहे हमारे सामने कोई हिंदू भी रहा है, चाहे मुस्लिम भी रहा है, ईसाई भी रहा है, हमने तो हर एक का सत्कार करना है। और हमारे गुरु ने हमें परिभाषा ये सिखाई है कि मजलूम के साथ जिसके साथ अत्याचार जुल्म होता है उसके साथ खड़ना ही खड़ना है, चाहे हमारा सिर दर्द से लग हो जाए, हमें कोई बीमारी। आज हमारे हक्का की बात आई है, हमारे हक की बात आई है, तो हम अपने हक के लिए भी वैसे ही खड़े हैं। जब दूसरे के हक के लिए की बात आएगी तभी हम खड़ेंगे। एक बात देखिए, जब भी मैंने पर्टिकुलरली सिर्फ कौम की बात करूँ तो राइट्स में देखते हम लोग, या बाढ़ आ जाती है या कुछ और आपदा होती है, तो जाहिर है कि हमने कई जगह देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो लंगर लेकर आते हैं और हेल्प करने की कोशिश करते हैं। एट दैट मोमेंट गवर्नमेंट कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं करती, लेकिन अभी अगर वो आ रहे हैं किसानों में तो अभी क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं कि भाई ये जो है खालिस्तानी है, ये जो है दूसरा देश बनाना चाहते हैं। मतलब आप समझते हैं मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, कि ऐसा तब क्यों नहीं लगता जब वो बाकी लोगों की मदद करते हैं? आपको क्या लगता है, मतलब इसके पीछे क्या प्रोपोजल है? जब आप किसी समुदाय किसी भी पद का किसी खित्ते का जो आप उसका नसल कुशी करेंगे, आप खित्ते की बात को दबाएंगे किसी ना जैसे आप घर में ही किसी बच्चे की बात को दबाएंगे तो बच्चा कहेगा हमें जो भी, जब ये हमारे सुनते ही नहीं, हमारे पे से जो मायूस हो जाते हैं नौजवान वो कहते हैं हमें जुदा ही कर दो यार। फिर जब आप हमारी हमको आप अपना समझते ही नहीं हो तो हम मांगे के क्या, वो तो हमारा वैसे। अब तो हम कोई ऐसी बात नहीं मांगते जो 100 साल से कानून चलते थे अंग्रेजों के जमाने के बाद, जब कानून पैदा हुए डॉक्टर भीम का राव अम्बेडकर ने लिखे वो कानून चलते थे, इनको क्या तकलीफ हुई? देखो जैसे डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम गुलस्ते हैं इसकी गुलस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी गुलस्ता हमारा। लेकिन उसी डॉक्टर इकबाल को क्यों मजबूर होकर लिखना पड़ा कि शम हंसी आती है इस वतन को, वतन को कहते हुए मुद्दतें गुजरी हैं जुल्मों सितम सहते हुए, शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए, उसको भी लिखना पड़ा। वही हम कहते हैं कि हमें शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए, ये लोग वतन को बेच रहे हैं। लेकिन जब तक पूरे इस मुल्क के अवाम को बशिंदे को चाहे हिंदू मुस्लिम ईसाई को ये बात समझ में नहीं आएगी भी ये लोग कारपोरेट के सामने इस देश को बेच रहे हैं, जैसे इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश को गुलाम बनाया था, अब फिर ये लोग कारपोरेट घराने के इसको देश को बेचकर इसका गुलाम बनाएंगे, हमें भी बनाना चाहते हैं, लेकिन तो हम तो बनेंगे नहीं, चाहे हम मर जाएं चाहे जी लें हमारी। ये हमारे साथ लगातार किसान है।